सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों अभी मेरे पीछे जो सैंडबॉक्स है वो है एंड्रॉयड थिंग्स और कंप्लीट दोस्तों बातें हैं IoT के बारे में। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि क्या है यहां पे कमाल चीजें। बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि यार ये क्या कमाल चीज है। तो चलते हैं सैंडबॉक्स में और देखते हैं कि क्या है एंड्रॉयड थिंग्स और ये कैसे काम करता है और क्या क्या कुछ कूल इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है पूरी स्पेस और यहाँ पे बहुत सारी कूल चीजें हैं यार। अगर आप देखेंगे ना तो चाहे वो ये फ्लावर्स हों, चाहे इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट प्रोजेक्टर है, उसके अलावा एंड्रॉयड थिंग्स से अगर आपको कुछ बनाने हैं प्रोजेक्ट उसके बारे में डिटेल्स हैं बिल्ट विद एंड्रॉयड थिंग्स। उसके अलावा सामने साइड में एक हैंड बॉट है, उसके अलावा एक ड्राइंग करने के लिए ड्रॉ बॉट है, उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एंड्रॉयड थिंग्स पे बेस्ड हैं और साथ में नेस्ट है। लेकिन अब मैं ट्राई करता हूँ स्मार्ट प्रोजेक्टर को, हैंड बॉट को, ड्रॉ बॉट को। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल का डिवाइस है जो कि है हैंड बॉट और यहाँ पे नीचे कुछ मोटर्स लगी हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा है जो कि मेरे हैंड मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करेगा, बेसिकली कंट्रोल करेगा, रेप्लीकेट करेगा। और यहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं रॉक पेपर सीजर। यहाँ पे है द हैंड बॉट कंट्रोल्स द कैमरा सर्वो मोटर्स और उसके बाद में जो इसके ऊपर इमेज आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ कैसा है उसको रेप्लीकेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पोजीशन करता हूँ यहाँ पे ऐसा और ये रेडी हो गया है, अभी हम करेंगे, मैच जीत गया तो ग्रीन आ गया नीचे। दोस्तों ये है एंड्रॉयड थिंग्स रेफरेंस डिज़ाइन और आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी सारी चिप्स हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया टेक MT8517, उसके अलावा यहाँ पे रॉक चिप है, उसके अलावा नीचे क्वालकॉम का भी सिस्टम है। और यहाँ पे ये बेसिकली स्मार्ट स्पीकर्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इस तरह सुनो सेक्शन है वो है स्पीकर्स जिनमें गूगल असिस्टेंट बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो आई होम का स्पीकर है, चाहे वो दोस्तों LG का ThinQ है, चाहे उसके अलावा दूसरा ब्रांड है। और ये बेसिकली कुछ इंटरनल्स बताए हुए हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो वो काफ़ी एक मज़े की बात है। उसके अलावा यहाँ पे ये दोस्तों चार प्रोडक्ट्स हैं जो कि है JBL Link View, साथ में LG का ThinQ View, Lenovo Smart Display 8 इंचेस वाला और दोस्तों है Lenovo Smart Display 10 इंचेस वाला। आप बेसिकली समझेंगे अगर गूगल होम है और उसके अंदर आप साथ में डिस्प्ले लगा दें तो आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या अगर वो यूट्यूब वीडियो प्ले करना है और आपके पास में बेसिकली जो TV वाला ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपको इसे मिल जाएगा। तो बेसिकली एक साइड टेबल के लिए काफ़ी कमाल एक्सेसरी है जहाँ पे बात कर सकते हैं और जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो सब इसके अंदर मिलेगा। और साथ में इसके अलावा कुछ और इसके रेफरेंस डिज़ाइंस हैं, फिर चाहे वो डिस्प्लेस को लेके हों, चाहे बेसिकली कि आप कैसे कैसे जो है वो फन तरीके से इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग केसिंग्स वगैरह में। ओके गुड मॉर्निंग, इट्स गुड इवनिंग। हे गूगल, वेयर इज द क्लोजेस्ट बेकरी? Alexander's Patisserie. Here you go. तो यहाँ पे आपको दोस्तों डिस्प्लेस वगैरह के हिसाब से काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे इसी का थोड़ा सा और डिटेल्ड रेफरेंस डिजाइन कि क्या दोस्तों इंटरनल्स हैं यहाँ पे और कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, फिर चाहे वो सामने स्क्रीन लगा हुआ है इसके साथ में एक स्पीकर अटैच्ड है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे छोटा सा प्रिंटर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं और जो भी आपने प्रीडिफाइन किया उसके तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ट्राई करता हूँ प्रिंट एंड्रॉयड और ये एंड्रॉयड प्रिंट होकर बाहर आ रहा है यार, ये काफ़ी कमाल है। प्रिंट हैंडसम पर्सन और ये हैंडसम पर्सन की दाढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पे है ये एक एंड्रॉयड थिंग्स पावर्ड 3D प्रिंटर, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इसका मेन बोर्ड है साथ में डिस्प्ले है आपने अटैच कर रखा है, पीछे स्पूल लगाया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं 3D चीज़ें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ बॉट के पास। दोस्तों ये है ड्रॉ बॉट और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, जो पावर मिल रही है वो इसको सेम एंड्रॉयड थिंग से मिल रही है, जहाँ पे ये जो सिस्टम है इसमें कैमरा लगा है और उससे आप अपनी एक फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद में ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कि मेरी फोटो लेने के बाद में ये मेरे को ड्रॉ कर पाता है या नहीं, जहाँ पे कैमरा है, नीचे कुछ मोटर्स वगैरह हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। बेसिकली लगा है ब्लैक मार्कर, तो पहले बटन दबाऊंगा बाद में फोटो आ जाएगी। फोटो आ चुकी है एंड
प्रीव्यू हाँ, ये एकदम मेरी फोटो ही है यार। और देखते हैं कि इसको प्रिंट करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है। और ये जो प्रिंटिंग है ये होगी लाइन बाय लाइन तरीके से। ये जो मार्कर है दोबारा वापस नीचे और ऊपर पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि जो लाइंस हैं वो लाइंस मोटी और पतली बन रही हैं बेसिकली। तो यहाँ पे तीन लेवल्स हैं लाइन के, एक जो है वो सबसे पतला, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर सबसे मोटा, और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। ये जो बेसिकली ड्रॉबॉट है ये कैमरा यूज करता है, साथ में दो स्टेपर मोटर्स हैं और एक सर्वो मोटर है, और उसके अलावा जो इमेज प्रोसेसिंग है दोस्तों वो आती है ओपन सीवी की तरफ से, जो कि फेस को डिटेक्ट करता है। और फेस को डिटेक्ट करने के बाद में ये पता लगाता है कि भाई कहाँ पे एरियाज डार्क हैं, कहाँ पे लाइट हैं। बेसिकली उसको तीन लेवल्स में डिवाइड कर देता है। जो लाइंस हैं वो है 40, और 40 लाइन के अंदर आपका जो फेस है वो प्रिंट हो जाता है। दोस्तों ये प्रिंट हो गया है और काफ़ी कमाल है यार, मज़ा आ गया। ये है स्मार्ट प्रोजेक्टर, जिसमें बेसिकली एक प्रोजेक्टर है, नीचे कैमरा सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट भी कर रहा है, साथ में रीड भी कर रहा है। और ये सेम चीज़ आप पहले ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन अभी जो है वो स्मार्ट तरीके से प्रोजेक्टर में एम्बेड हो चुकी है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अभी करते हैं दोस्तों कैलिब्रेट और बर्थडे केक। ओके, लेट्स सी। हाँ, परफेक्ट। मशीन ने पहचान लिया कि मैंने बर्थडे केक बनाया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, बुश। हाँ ओके, तो इसमें दोस्तों जीत गए, इसमें पहली पता लगा कि बुश है। दोस्तों ये जो एक कैमरा है इसमें मैं इससे इसको कंट्रोल करूँगा। जब मैं नीचे से कंट्रोल करूँगा तो सिर्फ जो ब्लू वाला पोर्शन है वो ऊपर जाएगा, और जब मैं इससे कंट्रोल करूँगा तो जो येलो वाला है वो ऊपर मूव कर रहा है। तो मैं इसको अपने डिवाइस से कंट्रोल कर सकता हूँ, और एग्जैक्टली मुझे कैसे इसको पोजीशन करना मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे सामने टिप पे एक कैमरा लगा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो कैमरा है, इस कैमरे का डिस्प्ले आपको सामने इस स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये काफ़ी कमाल चीज़ है। ये जो सेक्शन है, इन फ्लावर्स को मैं देखूँगा तो अपने कलर्स को चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि स्माइल, फ्राउन और एक्ट सरप्राइज्ड, और उसके बाद में ये अपना कलर्स और अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। सभी के सभी स्मार्ट फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा जैसे ही मैं मुस्कुराया ना, सबके अपने पंखुड़ियाँ खुल गई यार। एक बार आपसे ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा सा गुस्से वाला फेस दिखाया तो सबके सब दब गए थे, और जैसे ही मैंने मुस्कुराया तो सबके एकदम खुल गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दोस्तों ये प्रिंट हो गया है और काफ़ी कमाल है यार, मज़ा आ गया। दोस्तों फिलहाल इस एंड्रॉयड थिंग्स के वीडियो में इतना ही। हमने बहुत कुछ कवर किया, जो भी चीज़ें थी अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।